छोटे राजकुमार सुकौशल को पत्नी को सौंपकर कीर्तिधर राजा ने दीक्षा ली। सालों बाद अपनी ही नगरी में वापस आए, भिक्षा के लिए फिर रहे थे और रानी ने उन्हें देख लिया। रानी डर गई कि यह मेरे बच्चे को भी साधु ना बना दे, इसीलिए सैनिकों को आदेश दिया कि उनको मार मार कर नगर से बाहर निकालो। सैनिक मुनि को मारने लगे। पुरानी दासी ने यह दृश्य देखा, वह बिचारी रोने लगी। सुकौशल राजकुमार ने कारण पूछा, उसने सारी बातें की। तब पता चला कि यह तो मेरे पिता मुनि हैं, मेरी माँ मेरे स्नेह राग के कारण अपने ही सगे पति को मरवा रही है। सुकौशल को वैराग्य प्रगटा। पहुंचे पिता मुनि के पास, ली दीक्षा। माता और पत्नी ऐसी रानी क्रोध और आर्त ध्यान में मरकर जंगल में बागन बनी, और उसी जंगल से पिता पुत्र मुनि पसार हो रहे थे। तब बागन ने दोनों को देखा, वैर भाव जाग उठा। पहले पिता मुनि को खाया और बाद में सुकौशल मुनि को खाने लगी, पर मुनि ने तो काया का ही त्याग कर दिया, जैसे कि उनके और पास के वृक्ष इन दोनों के बीच कुछ अंतर ही न हो। परम समाधि के साथ काल धर्म पाया सुकौशल मुनि ने। धन्य धन्य सुकौशल मुनिराज। सिंह तनी परी सामा चालिया सुकौशल मुनिराज। वीरुई वाधनी धसती खावा भुसिरावी निज का जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।